क्वेश्चन है खुजली। ये सर, इम्यूनो डॉग सर हम खुजली के लिए दिए हैं, एलर्जी डॉग दिए हैं, लेकिन जांघ के नीचे जो है कच्छा में सर दाना दाना टाइप का होता है, खुजली ठीक नहीं हो रहा है। लिपो डॉग भी दीजिए ना सर। एक्चुअली में क्या है ना, वो जांग के साथ में होता है तो अंडर गारमेंट को बोला ठीक से पहने। अंडर गारमेंट जो है ना अच्छा अच्छा कंपनी का, वो भी तो हम बताना पड़ेगा। जांग में जो होता है तो अंडर गारमेंट ठीक से पहनो ना, पाउडर लगाओ। अब 5 दिन धोएगा नहीं तो नहीं लेबो डॉग भी तो होगा। दिए हैं सर, हाँ क्या, लेबो डॉग भी दिए हैं, तो एक्चुअली में क्या है, हिल डॉग दे दो, हिल डॉग बोले लगाने के उसको लिए। ज्यादा प्रॉब्लम होता है मीठा सर, चीनी का जैसे थोड़ा बहुत भी मीठा खा लेने से ऐसा हो जाता है। तो बोले मीठा नहीं खाए, गुड़ खाए। तो खुद डॉक्टर है, उसको पता है कि मीठ तो दवा खाने क्या जरूरत, चीनी बंद खाना बंद कर दे, वैसे ही प्रॉब्लम ठीक हो, पैसा बच जाएगा उसका। तो हेलो होता है सर। क्या ना सर, कभी कभी जैसे कहीं बैठ गए हैं तो चाय तो मिल भैया जाता नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपके बॉडी में नहीं सूट कर रहा है, मत खाइए। बहुत लोग का, बहुत तरह के, बहुत आदमी को गुलाब से एलर्जी है, कभी गेंदा से, आपको पता है तो जाओगे तो प्रॉब्लम होगा ही बॉडी में एलर्जी का। मेरे कहने का मतलब भी कि मेडिकल साइंस 100% बता नहीं सके कि आपको किस चीज का एलर्जी है, तो आपको जब पता सर। हो गया है तो उसको मत खाओ। उसका क्या है, उसका तो दवा आपके पास खुद है, चीनी चीनी नहीं खाओगे ठीक हो जाओगे। हेलो हाँ सर, हाँ सर नमस्कार। हाँ हेलो सर, आवाज सुनाई दे रहा? हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। बोले सर, मसल डॉग कैसे यूज करेंगे? मसल डॉग जो है 30 30 ग्राम में 240 ml वाटर में लेके सुबह शाम यूज करेंगे, या दूध से जो भी आपको सूट करता है, जो या जूस में भी। सर एक बच्ची 5 साल की है, वो अभी बचपन से बोल नहीं रही है, उसे कौन सा मेडिसिन दिया जाए सर? को इम्यूनो डॉग दीजिए, किड डॉग दीजिए, थंडर ब्लास्ट दीजिए। राइट सर। इसको क्वांटिटी सर? क्वांटिटी आपको मैं क्या बताया, एज पर कंडीशन में आपको एडल्ट में बताया, सुन क्या रहे थे इतना देर से? राइट सर, ठीक है ठीक है सर, देखिए। सब कुछ हम ही कर देंगे सर, तो जो पूरा सब कुछ हम के कर देंगे, तो मैं अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ, वहीं पे जो इनकम आएगा ट्रांसफर कर दीजिएगा। इम्यूनो डॉग, नो डॉग, किड डॉग और थंडर ब्लास्ट, ब्रेन डॉग देने की जरूरत नहीं है सर? सब तो आप सब जानते ही हैं, तो आप दे दीजिए, हमसे पूछ क्यों नहीं रहे हैं? सर, जस्ट डाउट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। मेरे कहने का मतलब क्या है कि सर, आज के डेट में 4 साल का दवा एक ही दिन में नहीं ना बता देंगे, कब क्या देंगे, कब क्या देंगे, कब क्या देंगे, आपका सर इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए सर, मैं बताता हूँ कि कोई आज के समय में कोई डॉक्टर आपको 3 साल का दवा एक ही दिन में लिख देता है? उसका सिचुएशन से चेंज होता है सर। हाँ सर, मेरे कहने का मतलब है क्या कि सिचुएशन से चेंज होता है। आपने बताया उसको, फिर क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर बात करोगे, फिर कंडीशन होता है, फिर चेंज होता है। आज तक कोई इंडस्ट्री में कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलता है कि आपको ये है, तो 3 साल का दवा एक बार में लिख देता है? तो सर आप बोलते ब्रेन डॉग देंगे, तो जो जानते हो तो क्यों पूछते हो? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था। एक पेशेंट है नहीं, बड़ा सवाल भी, जिनका, बड़ा सवाल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, फास्टिंग डायबिटीज है, जिनका HbA1c is 7 हाँ और फास्टिंग में है 150, CP में है 240, तो इनको क्या सजेस्ट किया जा सकता है? मैं बताता हूँ कि डायबिटीज पाकिस्तान से पैदा हुआ है, बात समझे? हाँ ये एक्चुअली में क्या है ना कि ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेट है कि डायबिटिक 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 कब पता चलता है, जब आप बीमार पड़ते हैं। मैं बहुत सबके लिए मैं सुना रहा हूँ, डायबिटिक आपको कब पता चलता है, जब आपको तबीयत खराब हो गया या बुखार लग गया, आप डॉक्टर के पास गए तो वो पूरा टेस्ट करा देता है, उसके बाद आपको मालूम चल जाता है कि हमको डायबिटिक भी है। उसके बाद आपको डायबिटिक के बारे में जो भ्रांतियां जो है कि ये डायबिटिक होने से ये होता है, आप मैं बताता हूँ मेडिकल साइंस की, मैं जनरल में बात करता हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ कोई अनप्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, मेरे पास सारा प्रूफ है, अगर चाहोगे तो मैं प्रूफ भी देने को तैयार हूँ। लेकिन एलोपैथ जो है, एलोपैथ के इंडस्ट्री में मैं कहता हूँ कि एलोपैथ कहता है कि आपको फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, आपको जूस नहीं पीना चाहिए। मैं आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कभी फ्रूट
फ्रुक्टोज से कभी भी डायबिटिक लेवल नहीं बढ़ता है, ग्लूकोज से बढ़ता है। जो जो फ्रूट खाएगा उसको डायबिटीज कम खत्म हो जाएगी। पीपी का मतलब फास्टिंग, और पीपी का मतलब ये होता है कि आज के डेट में मेरे कहने का मतलब है आप जूस खाने के बाद आपकी आपका पीपी होगा, और पीपी होगा तो उस समय आपकी डायबिटिक लेवल बढ़ी होगी। और क्या जब मैंने जैसे ही आपका डायबिटिक लेवल बढ़ी होगी तो लगेगा कोई डायबिटिक है, बॉडी को जितना देना है बाकी यूरिन के माध्यम से निकाल देती है। फास्टिंग पीपी एंड फास्टिंग पीपी डिवाइडेड बाय 2 250 है तो डायबिटिक नहीं है एज पर नेचुरलोपैथी। मैं हम लोग जो है आयुर्वेद वाले नेचुरलपैथी पे बिलीव करते हैं, एलोपैथ पे बिलीव नहीं करते हैं। डायबिटिक को आपको सिम्टम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डे दवाई बेचने के लिए जो है डायबिटिक बीपी और कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटाया जा रहा है, नहीं घटाएगा तो दवाई कहाँ से बिकेगा। तो भैया जो उसको काउंसलिंग डायबिटिक जो है जब तक काउंसलिंग नहीं की जाए डायबिटिक पेशेंट को छोड़ दीजिए। और एक सवाल सर, कोलेस्ट्रॉल के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 170 के अंदर होना चाहिए, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल समवेयर 800 क्रॉस कर गया है, तो इनको क्या दिया जा सकता है? मोरीडॉक, कार्डियोडॉक, लिवोडॉक। मोरीडॉक, कार्डियोडॉक, लिवोडॉक। अच्छा, लिवोडॉक। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसका कि फैलोपियन ट्यूब बंद है, तो मुझे जैसे कि मनमोहन सर ने सजेस्ट किया था कि गैनोडॉक, थंडर ब्लास्ट और खाने के लिए मतलब पीने के लिए, तो मुझे मेरा ये कहना है कि क्या इसके लिए फैलोपियन ट्यूब जैसे खुल जाता है तो इसके लिए क्या कोई एज मैटर करता है प्रेगनेंसी के लिए कि एज मैटर नहीं करता, कब तक एज के लिए पॉसिबल है? मैं बताता हूं आपको, मेडिकल साइंस में आपको मैं बताता हूं कि मैक्सिमम जो है प्रेगनेंसी का, सेफ प्रेगनेंसी का जो एज है मैक्सिमम 35। जी मैक्सिमम 35 है जी, बताता हूं। उसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बनती हैं। एज कितना है उनका? 37 में है। शादी लेट से किए क्या? जी। तो एक्चुअली में क्या है ना, यूट्रस बना हुआ है बच्चा पैदा करने के लिए, और क्या है कि आज के समय में अगर मर्द को यूट्रस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मर्द को बच्चा नहीं पैदा करना है, और महिलाएं को बच्चा पैदा करना है तो यूट्रस बना। यूट्रस क्यों बना? क्योंकि उसमें गर्भ में बच्चा होने के लिए। और जब आपका टाइम से आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी, और मैंने यूट्रस का जो जो भोजन जो है ना, वो जो 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 बच्चा जब कंसीव करता है तो वही उसका डाइट है उसका। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब वो उसको भूख रहेगा तो क्या करेगा, गुस्सा होगा, इधर उधर हाथ पैर मारेगा। बिल्कुल सर। आप जब नेचर के अगेंस्ट में किए हैं तो डिस्टर्ब कर दिया ना, वो फाइब्रॉइड्स हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएगा। तो एक्चुअली में क्या है ना, वो दिस इज नेचुरल फेनोमेना। ये जो नेचर के अगेंस्ट में काम कीजिएगा तो नेचर किसी को नहीं छोड़ता है। जी जी। तो सर इसके लिए कोई मेडिसिन है? हाँ जी, फैलोपियन ट्यूब्स में खुल भी जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो प्रेग्नेंट हो ही जाएगी। जी जी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो मैं कट टू बात करता हूँ, बदमाशी आपकी है तो सजा किसको, मुझे थोड़ी मिलेगी? बिल्कुल सर। अब ऐसा थोड़ी है मेडिकल साइंस में, आप कोई 70 साल की बूढ़ी बोली कि हमको बच्चा पैदा कर दो, कहां से कर देंगे? यस सर। आपने तो आपका पहले से प्रॉब्लम होता, कुछ प्रॉब्लम होता तो आप ठीक है, आपके शादी 25 साल में होती, 35 साल तक बच्चा नहीं होता, दैट इज डिफरेंट चीज है। यस सर। आपने शादी लेट से की, तो लेट से की तो सजा तो भगवान आपको दे रहा है, जो दिस इज नेचुरल फेनोमेना, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। फैलोपियन खुल भी जाएगा तो मैं ये संभावना नहीं मैं बता सकता हूँ कि माँ बन सकती हो। ओके सर। मैं क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, दवा नहीं बेचना चाह रहा हूँ। जी जी जी। और ऐसे भी वो माँ बने ना बने, उनको तो फिर ये गैनोडॉक खाना ही पड़ेगा, कि बाद में उनके यूट्रस में सिस्ट होने वाला है। मैं बता दे रहा हूँ, उनको दवा तो खाना पड़ेगा, गैनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, इम्यूनोड खाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्ट हो जाएगा तो उनकी यूट्रस में सिस्ट हो जाएगा तो हिस्टेक्टोमी होगा, और हिस्टेक्टोमी हो जाएगा, यूट्रस निकल जाएगी तो उनकी मैरिज लाइफ हेल हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हिस्टेक्टोमी होगी उनकी 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 भेजना भेजना ड्राई हो जाएगी, उनकी जो जो दाम्पत्य जीवन जो है ना वो बेकार हो जाएगा। जी सर। एज में लोगों में डाइवोर्स का जो कंडीशन आता है, इसी कंडीशन में आता है। ओके सर।
ठीक ओके थैंक यू सो मच सर. ऑल थिंग इज क्लियर. जी जी तो मतलब बस उनको अभी गाइनोडॉग वगैरह खाना है. गाइनोडॉग दो, थंडर ब्लास्ट दीजिए उसको, सीबैक डॉग दीजिए, घुमा घुमा के दीजिए. कुछ हो सकता है कि उनके, देखिए एक्चुअली में क्या है कि आयुर्वेद कौन दवा कहाँ काम करेगा ये बताना बहुत मुश्किल है. ये बहुत रिसर्च का पंप है, इसलिए मैं बताता हूँ कि ये जस्ट मैं ना कोई मैं स्पेशलिस्ट हूँ ना कोई स्पेशलाइजेशन हूँ ना आप लोग की डॉक्टर ना मैं डॉक्टर हूँ. मेरे कहने का मतलब है जो कंडीशन में, मेरे कहने का मतलब है हम तो बहुत रिजल्ट दे रहे हैं, इतना तेल कोई कोई इंडस्ट्री रिजल्ट नहीं देता. चलिए और कोई ठीक ओके सर थैंक यू सो मच. तो पांडे सर लगता है कि अब समय भी बहुत हो गया, हमारे घर वाले भी जो है परेशान हो जाएंगे कि खाना उना खाने दो हमको भी. हमको लगता है कि सब लोग को मोटा मोटी बहुत जितना मैंने बात किया, मैंने कोशिश किया है कि आप लोग को जो मुझे जो नॉलेज था वो मैं बताऊं. बाकी क्या है कि इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट मैंने बहुत बताया आप लोग को, इस पर काम कीजिए तो बहुत जो आप लोग का ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ मल्टीप्लाई इनटू 10 टाइम्स हो जाएगा. क्योंकि क्या है ना कि ना आप डॉक्टर नहीं हैं, हम कितना भी ठीक है आप जो है छोटे प्रोडक्ट से आप पैसे आप घुसिए, छोटे प्रोडक्ट जब आप देना शुरू कीजिएगा उसकी रिजल्ट मिलेगी 200 रुपया वाले रिजल्ट के लिए तो 2000 भी आराम से बेच के निकल जाओगे. और आप लोग सबसे बड़ा जो है डॉक्टर बनने के चक्कर में हैं और मेहनत करने के बाद क्या होता है वीक स्पीड नील हो जाता है. आप छोटे छोटे प्रोडक्ट में घुसिए, छोटे छोटे प्रोडक्ट में घुसिए, रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छा तो आपको बैठने का मौका मिलेगा. पहले हेलो सर नमस्ते सर. हाँ नमस्ते सर, मेरा नाम सिद्धांत है सर. मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरे एक बहन को पीसीओडी का इश्यू है सर, उसको लगभग 10-12 साल से है. सो रिसेंट वो उसका एज लगभग 25 साल की है, वो 25 से 26 साल की है. और वो मतलब कि हमेशा लाइक उसको हर 2-3 महीने में उसको प्रॉब्लम होता है. और अभी रिसेंटली उसको थायराइड भी हुआ है और बॉडी बहुत ज्यादा ही वीक है और अंडरवेट है. आपको इम्यूनोडॉग, गाइनोडॉग, थंडर ब्लास्ट तो ठीक हो जाएगा. ओके सर. उसमें उनके पीसीओडी में सिस्ट है उनके वो में, सिंपल बात है, हार्मोनल डिसबैलेंस से प्रॉब्लम हुआ उनको. ओके सर. हार्मोनल डिसबैलेंस से उनको प्रॉब्लम हुआ. ओके सर. और उनको डाइट देना पड़ेगा सर. ओके ओके सर. डाइट जो है बहुत जो है फ्रूट सलाद जूसेस ये सब जंक फूड बंद करना पड़ेगा, केवल दवा से नहीं सर. जंक फूड तो अभी सर लॉकडाउन के बाद से सर सब कुछ बंद है, ऑलमोस्ट 5 महीने से सब कुछ बंद है. पर उसको क्या होता है कि सर जूस या कुछ फ्रूट्स देने से सडनली उसको सर्दी और गला बैठ जाता है, सर्दी हो जाता है. एक सप्ताह होगा अब बात भी नहीं कर पाती टोटली. एक सप्ताह बात नहीं करेगी. ओके सर. 8वां दिन से बात करने लगेगी. ओके सर. समझे ना सर. थायराइड हो या फिर नहीं हो ये इम्यूनोडॉग और गाइडोग थंडर ब्लास्ट के तीनों देने से सर काफी है सर. क्या बोले हमने समझ पा रहे हैं सर. जी सर मतलब कि पीसीओडी के साथ थायराइड हो या ना हो आप जो तीनों चीज बोले यही देने से होगा. थायराइड जो है ना बॉडी का जो है आपका हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते ही थायराइड होती है सर. उसके पीछे बहुत सारा फैक्टर है. आप इम्यूनोडॉग के साथ आप गाइनोडॉग थंडर ब्लास्ट प्लस जो डाइट में बताया Okay, तो आपको मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको बोले कि ठंडा एक सप्ताह आपको इतना जो परेशानी है एक सप्ताह आपको आवाज बंद ही हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा. लेकिन एक सप्ताह के बाद ठीक हो जाओ ज्यादा अच्छा है ना. Okay, सलाद खिलाओ, सेब खिलाओ, स्प्राउट्स खिलाओ, जूसेस पिलाओ. ओके सर. फ्रूट सूप बना के पिलाइए, ये सब कीजिए. देखिए सर दवा हमारा मेडिसिन नहीं है, ये प्योर हर्ब्स है. हर्ब के साथ चिकन खाओगे ना. हर्ब दे रहे हैं इधर से हर्ब, उधर खा रहे हो पिज्जा, कहां से काम करेगा. हर्ब के साथ हर्ब खिलाओ ना. और सर और एक है कि स्किन मेरे फादर को मुझे सर बहुत काफी टाइम स्किन एलर्जी रहता है, जैसे कि ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी. ड्राई होके कुछ कुछ जगह पे पैरों पे, हाथ पे, अंगूठी पे स्किन के ड्राई होके पैचेस निकलते हैं. क्लोरोडक्ट खिलाइए. क्लोरोडक्ट. ओके सर. और बोलिए.
एक सेकंड सर, और एक जस्ट। अरे यार पांडे सर, ऐसा है ना कि एक एक दो सेशन हम जो है ना कि दोस्तों देखिए टाइम ओवर हो चुका है, सर का दो घंटे का समय मिला था और हम लोगों ने ढाई घंटे ले लिया है। तो सर जो मेरे घर ऐसा मत करो कि हमको ऐसा मत करो ना यार कि मुझे घर से फिर कोई दूसरे घर भगा दे और हमको फिर आपका ट्रीटमेंट देना पड़े। तो थैंक यू पाठक सर, आपने हम लोगों को हमारे पूरे टीम को कीमती समय दिया, इसके लिए हम लोग कृतज्ञ हैं आपके। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर हम भी तो हम तो सर मैं कृतज्ञ मैं आपका हूं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे मौका दिया सर। थैंक यू सर, ये आपका बड़प्पन है सर। मैंने मैंने कोशिश की है कि आपके जो लोग इतने मैंने बड़ा पेशेंटली, तो 60 आदमी तो भाग गए सर, 60-70 आदमी ऑलरेडी भाग गए क्योंकि वो ऑलरेडी जानते थे, लेकिन 100 आदमी 100 आदमी हैं, दैट मींस दैट मोन ऑल 100% आर वेरी मच रिस्पांसिबल, और यही 100 आदमी जो है ना ये आपके ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले। मैं गलत बोल रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही। आप बताइए सर, आप बताइए सर, मैं बताने के लिए तैयार हूं और आपके बंदे जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ आपको 100 करोड़ कमाना है और पेशेंस भी नहीं, पैसा भी नहीं लगा रहे और पेशेंस भी नहीं लगा रहे, पैसा कहाँ से 1 करोड़? और पांडे सर माथा फोड़ भी देंगे तो कहाँ से आएगा? पांडे सर जितना कर रहे हैं आप लोगों के लिए उसका 10% भी रिस्पॉन्सिबल हो जाइए सर, करोड़ों जो है बैंक अकाउंट में नजर आने लगेगा। पांडे सर जितना कर रहे हैं, आपको मैं बता दे रहा हूं कि पांडे सर को मैं सैल्यूट करता हूं कि जितना अच्छा, मैं ऑल इंडिया के मैं बात कर रहा हूं सर, पांडे सर को पता है कि मणिपुरी ऑल इंडिया टीम मुझे जानती है और पांडे सर आज जिस लेवल में है और जिस तरह की ट्रेनिंग, जिस तरह का मतलब मैं उनका मैं आई एम वेरी मच वीक इन टेक्निकल, मैं बहुत वीक हूँ, मैं कंप्यूटर में बहुत वीक हूँ, मैं सेल्स का बंदा हूँ, मैं मार्केटिंग का आदमी था, मैं प्रोडक्ट का आदमी था, मैं मुझे नहीं, लेकिन सर को मैं बता रहा हूँ कि फौज के नौकरी करने वाला ने आज मैं सर को फिर सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग को सिखाने के लिए जितनी तरह का मैंने क्या टूल्स देते हैं, लेकिन क्या है ना हम ऐसा लीडर रिली में मैं बताता हूँ स्लीपियस में मेरे को नहीं मिला सर, कि इतना सिखाने के बाद भी अगर आप लोग का अचीवमेंट अगर नहीं आ रहा है तो इसमें पांडे सर का कोई कसूर नहीं है सर, टोटल क्रेडिट एंड डिसक्रेडिट गोज टू यू। ज्यादा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि आप गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि बोले कि पांडे सर किस बंदे से ट्रेनिंग करवा दिए, ये बहुत भाषण देता है क्या सर? थैंक यू सर, थैंक यू, आपने दिया दोस्तों। एक बार चाहेंगे एक जोरदार तालियां पाठक सर के लिए, हमें इतना सारा कुछ बताने के लिए जोरदार तालियां। चलिए सर, हमने कोशिश किया है सर, जितना मुझे आता था मैं बताने की कोशिश किया हूं, और ऐसा नहीं है आप लोग का अगर प्यार बना रहेगा तो मैं फिर आऊंगा आपके साथ। जरूर सर, हम नेक्स्ट सेशन में भी आपसे जरूर चाहेंगे समय। मेरा केवल मैंने हम कहीं और बिजी ना रहें, क्योंकि मेरा भी दाल रोटी सर इसी से चलता है। बिल्कुल, और आपका तो छत्र छाया है ही सर, घटता है तो आप तो हमेशा तैयार हैं मेरे साथ। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू, आज आप हमारे सेशन में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों मजा आया, सीखने को मिला जी सर, स्पीड बढ़ेगी। अभी मैं आपको अनम्यूट करने का मैं आपको अलाउ करता हूं। कोई बात नहीं, मौका मिलेगा बहुत सवाल पूछने का। बताइए।
बाकी सारा कुछ सही है, बाकी सारी चीजें सही है। हाँ तो वही दीजिए आप, क्लोरोडॉग दीजिए, ब्रेन डॉग दीजिए, ओमेगा डॉग दीजिए, किड किड डॉग दीजिए, हाँ ये सारा कुछ दीजिए। हेलो सर, गुरु जी मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। रोल नंबर 100 सर बताइए। रोल नंबर 100 सर। हाँ बोलिए सर। मेरे एक पेशेंट है लीवर सिरोसिस का, लगभग 60% है सर, तो उनको कौन सा दवाई देने से अच्छा रहेगा और कितना परसेंट हो सकते है वो ठीक हो सर?